ओम गम गणेशाय नमः। गणेश जी के बारे में रहस्य। गजानन महाराज को पूरे भारत में प्रथम पूज्य देव का स्थान है। सभी मांगलिक कार्यों में श्री गणेश का यह वंदन सर्वप्रथम किया जाता है। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। इन्हें सभी देवताओं का सम्मान व सक्या प्राप्त है। श्री गणेश के संबंध में कई रोचक और पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कई ऐसे रोचक किस्से हैं जिसके बारे में शायद ही आप परिचित हो। जानते हैं कि माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपास किया था। इसी उपास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनके सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसीलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित बार अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के शरीर का रंग कैसा है? शिव पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय यह है कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु उसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश ने शर्त रखी कि उनके लेखन बीच में ना रुके। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखे। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता और उसी दौरान वेदव्यास से अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्मव्रत पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्य देव चेतनाहीन हो गई और सूर्य देव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। ब्रह्मव्रत पुराण के अनुसार जब सारे देवी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनिदेव सिर नीचे किए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बालकर को देखा तो उसके कुछ समय बाद ही उनके सिर कटने की घटना घटी। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश की 2 पत्नियां थी, सीधी और बुद्धि। श्री गणेश के 2 पुत्र इसके नाम है क्षेत्र और लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश कर रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। श्री गणेश के दांत के पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान अपनी साधना में लीन थे, तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने फर्श से श्री गणेश पर वार किया जो उन्हें शिव ने दिया था। श्री गणेश उस फर्श के वार को खाली कर नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फर्श का वार अपने दांत पर झेल लिया। इस वार के कारण उनका एक दांत टूट गया, तभी से उन्हें एक दंत कहा जाता है।